एंड वेलकम बैक हो गया तुम सबका न्यू वीडियो के अंदर। उम्मीद कर तू सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, जिधर भी होंगे मजे में होंगे। जैसे पाकिस्तान में गधों की कमी नहीं है, बेगैरतों की कमी नहीं है, अश्लील लौंडों की कमी नहीं है, इसी तरह पाकिस्तान में चूतियों की भी कमी नहीं है। यहाँ एक गली छोड़ के आगे वाले गली में तुमको एक नया चूतिया जरूर मिल जाएगा जो अपनी बुन पेश कर रहा होता है। और सोशल मीडिया भी अब उन गोड़ा का रेस बन चुका है जिसमें अब गधे दौड़ते हैं। हम उस बंदे की बात कर रहे हैं जिसको इज्जत के नाम पर घर में सिर्फ चपेड़ी मिलती है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाता है कि वो अपने घर का विराट कोहली है, लेकिन असल में वर्स्ट कोहली होता है। घर में इनसे ज्यादा इज्जत तो गली के कुत्तों की होती है, कम से कम उनको दो वक्त काना तो डाला जाता है। अब ना इन जैसे बंदों की फैन फॉलोइंग बहुत जल्द बढ़ती है, गली मोहल्ले में किसी भी बच्चे को टॉफी पकड़ा देंगे और उनसे मीटअप का ब्लॉग निकाल देंगे। कंटेंट मिल गया बेंचो। बात कर रहे हैं श्री श्री महान बाहुबली की। क्या बाहुबली? स्क्रिप्ट में बाहुबली कहा गया है बेंचो। तो बात कर रहे हैं डेकी भाई की नाजायज औलाद और डेकी भाई के छोटे वर्जन की। अब अगर मेरे से कोई पूछे ना तो कसम से छोटा वर्जन कम और चूतिया वर्जन ज्यादा लग रहा है। खैर थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि हम बात कर रहे हैं छोटे डेकी भाई की। अगर अब छोटा डेकी भाई ये वीडियो देख रहे तो प्लीज यार एंड तक देखो क्योंकि एंड में तुम्हारे लिए सरप्राइज। तो आप यार हेडफोन लगाओ और शुरू करते हैं आज की अपनी नेक अल्फाज वाली वीडियो को। यार वीडियो शुरू करने से पहले यार मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तुम में से यार 99% लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार दिल से बुरा लगता है, प्लीज सब्सक्राइब करो। आ जाओ अब इसकी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तुम ऐसे ज्यादातर लोगों को पता चली गया होगा कि हम इस पे वीडियो क्यों बना रहे हैं, उसी के इस जी की वजह से। मेरा कोई इससे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर बेंचो दी जी इतना कौन खींचता है बेंचो? क्या चाल आपका? ठीक है तो मैं ठीक है। क्या मैं आपको छोटा डक्की भी लगता हूँ? अगर लगता हूँ तो प्लीज जरा मुझे जरूर बता दो। हम तुमको जरूर बता देंगे, पर तुम डक्की भाई नहीं चूतिया भाई लगते हो। ये भाई साहब हर दूसरे वीडियो में बस यही पूछता रहता है, क्या मैं तुमको छोटा डक्की भाई लगता हूँ? क्या मैं तुमको छोटा डक्की भाई लगता हूँ? क्या मैं तुमको छोटा डक्की भाई लगता हूँ? बस कर बहनचोद। अस्सलाम वालेकुम जी। बुजुर्ग का सीरियस बता रहा हूँ, अगर इसके बाद तू चिल्लाया बहनचोद तेरे को बर्दाश्त नहीं करूंगा, सीरियसली बता रहा हूँ। क्या चाल आपका? ठीक है तो मैं ठीक है। यार मेरा ना इस समय वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जब आप सुबह सुबह उठो ना मेरी वीडियो देख के ना आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए। स्माइल वो भी तेरा वीडियो देख के? उस लड़के तो ऐसा कौन सा काम करता है मेरे को ये बता, तू तो सिर्फ चिल्लाता ही रहता है। अपनी माँ बाप से होने वाले गलती और चौथे फेल मेरे को ये बता, तुमने ये टाइटल में क्या घुसा रखा है? मेरा मकसद आपके फेस पे स्माइल लाना। और उस लड़का ये फेस का स्पेलिंग कैसे लिखा है यार? और इस दिन सुपरमैन बनने की नाकाम कोशिश हुई और ये पंछी दुनिया से विलुप्त हो गया। चल आपका ठीक है तो मैं ठीक है। अरे यार ये क्या था? यार भाई प्लीज एक बार और करना प्लीज प्लीज एक बार और यार प्लीज प्लीज मेरे लिए एक बार और। इस भाई साहब को बचपन से सर्कस में जाने का शौक था लेकिन गलती से यूट्यूब पे आ गया, तो यार प्लीज इसको सर्कस का रास्ता दिखाओ। आज ना एक ना मेरा एक छोटा सा फैन, छोटा इतना छोटा, इससे ज्यादा बड़ा तो मेरे टांगों के दरमियान लटक रहा है। मेरा भाई भी आया, मैं इसे मिलने के लिए आया, देखते हैं पापा मामा का क्या रिएक्शन होगा उसके सामने। अस्सलाम वालेकुम जी मामा जी। तू मेरे को दफा या फिर आ गया है। आंटी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यार ये आपकी गलती है आंटी, इसको बेंचो घर में क्यों रखा है? जाकर मेंटल हॉस्पिटल में इसको एडमिट करके आओ, इसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। यार अहमद अहमद इधर आ। ये अहमद है। अहमद क्या हाल आपका? मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ। ये बस छोटा सा फैन भी है। तुम लोग को मैंने वीडियो का स्टार्टअप में क्या बताया था, ये लोग गली मोहल्ले में किसी भी बच्चे को टॉफी पकड़ा देंगे और उससे ब्लॉग निकाल देंगे। और मेरा भाई भी है। अहमद भाई तू टट्टो वट्टो का मरीज तो नहीं है ना, ये क्या कर रहे हो? अहमद से बातें करता हूँ। उतना आई यार अहमद। मैं ठीक हूँ। हाँ अंकल डकी भैया को तंग करते हैं छोटे डकी भैया। लो लो अभी देखिए मैं क्लास लेते किसी बात। अस्सलाम वालेकुम जी। तेरे जी से मैं तंग आ गया हूँ भाई। अंकल आप मेरे बड़े, बिग रिस्पेक्ट, पर ये आपकी भी गलती है। अगर सही वक्त पे इसको घर से निकाल दिया होता तो आज इसको जेल लानी पड़ता, ना आपको ना हमें। अब दे ले कर, तू कह दिया कर। कसम से इसकी हरकतें देखकर मेरे को लगता है कि इसके माँ बाप ने इसको अफ्रीका के जंगल से उठा कर लाया है। मजा वो पीछे बैठा बंदा ना तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथ में देने की ताकत रखता है। यार देख मैं देख, मेरे पापा का जुल्म अभी भी किसी ना किसी चीज मुझे मार देगा, मैं सलाम करूंगा। ठीक है अस्सलाम वालेकुम जी।
अरे अंकल आप भी इसके साथ खेल रहे हो, इसके गोटे वोटे तोड़ दो, खुद बहुत अक्ल टिकाने जाएगी। एक और सवाल है, क्या आपका जी है ना उसको थोड़ा कम करें। बच्चे दिल जीतने वाला सवाल कर दिया तुमने। आपने स्पेशल में खाना वगैरह मंगवाया, ठीक है आप ऐसा खाना खाओगे। बेटा इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है, कुत्तों की प्लेटें अलग ही होती है। पापा जी जा रहे नमाज में जा रहे हैं, नमाज में जाए माशा दुआ करें। पापा जी नमाज में जाए, आपकी नमाज लेट हो रही है, जाए। ओके उस लड़के का कुछ समझ नहीं आ रहा, वो इसका पापा है या ये उसका पापा है। हो ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो ये बता डक्की भाई लगता कि नहीं लगता, ये बता। पेंचोद स्नैपर वारंटी रोना शुरू कर दिया, मेरे डक्की भाई लगता हूँ कि नहीं लगता, उसलिए कि तो मेरे लोड़े की तरह लगता है। बस खुश, हम भी तो मास्क पड़ेंगे पर हम घर में पड़ेंगे, ठीक है अम्मा जी, हम घर में पड़ेंगे। तू तो टोजे पे। और इसके बाद बच्चे के साथ जो कुछ हुआ मैं वो यहाँ नहीं बता सकता, बच्चे ने एक अनजान दुनिया देख ली। बचपन में इतना क्यूट था कि नहीं? हाँ यार, ये बचपन में इतना क्यूट था ना कि मोहल्ले से गुजरने वाले लोग इससे चूपे लगवा देते हैं। जियान जियान है आप? जियान जियान है आप? जियान अम्मा चेक करना मेरा चैन मैन थे उजरा दर ता 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 अगर ता ता तुम तुम ता 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 ता। और ये क्या है, ये क्या है बहनचोद? इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, इसका फैसला मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ। इसको तुम लोग क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बता दो। मामा कहते बड़े बड़े जो सिंगर होते हैं ना वो मुझे आके बुलाते हैं। वो इसको बुलाते हैं, वो रिजा कर उनको खुश कर रहा होता है, समझ रहे हो किस तरह। चलो यार अहमद जा रहा है। तुमने तो पहले बताया था कि अहमद हमारे साथ खाना खाएगा, खाना तो उसने खा ही नहीं। बहनचोद इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है यार, इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। चलो यार कल मिलते हैं एक अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह। क्या ये व्लॉग बना रहा था बुछड़ी की? मैं सही से समझ रहा हूँ, ये फनी वीडियो बना रहा है। मैं सोच रहा था ये फनी वीडियो बना रहा है बहनचोदी, प्रैंक हो गया हमारे साथ, बड़ा वाला प्रैंक हो गया। छोटे डक्की भाई तेरे को मैंने सिरे में बताया था कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है, सरप्राइज सरप्राइज कुछ नहीं है, बस ये तुमसे वीडियो एंड तक देखने की निंजा टेक्निक थी जो चुपो वाले बाबा ने मेरे को सिखाई थी, दिल पे नहीं लेने का, ठीक है। ये सब शोगल मेला है, चलता रहता है। तो बस यार आज के अपनी नेक अल्फाज और वीडियो की ही समाप्त करते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई यार तो लाइक मारो, एम करते हैं 30 लाइक के लिए। पिछली वीडियो पे तुमने 20 लाइक कंप्लीट करके कसम से दिल जीत लिया हमारा, लव यू हो गया भाई, लव यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाजत दो, बाय।